तेजस ट्रेन में इन्होंने सौदेबाजी IRCTC से कर ली। सौदेबाजी ये है कि उसका किराया जो है वो तय करेंगे। अगर वो लोग किराया तय करेंगे तो हमारी रेलों में आज जैसे मैं बड़ौदा का एग्जांपल दूं आपको, बड़ौदा के रिटायरिंग रूम जो रेलवे 500 रुपए में देती थी कस्टमर को, आज वो रिटायरिंग रूम हमने IRCTC को दे दिए, वो 1500 रुपए चार्ज करते हैं। वही रिटायरिंग रूम जो रेलवे 500 रुपए में देती थी, पूरा मैं बड़ौदा का एग्जांपल दिया, यही पूरे देश का एग्जांपल है कि IRCTC को इन्होंने दे दिया। अब तेजस का भाड़ा किराया वो तय करेंगे तेजस वाले। तेजस वाले जो रेलवे किराया लेती है उससे 3 गुना किराया लेंगे। शोषण किसका होगा? शोषण कस्टमर का होगा, हमारा शोषण नहीं होगा। हम तो गाड़ियाँ मेंटेन करेंगे, चलाएंगे, पर वो जो गाड़ी में बैठ के जो लोग जाते हैं कस्टमर हमारे, उनसे किराया वो दुगना तिगना वसूल करेंगे। तो शोषण कस्टमर को भी आप छोड़ना नहीं चाहते। आपका पहला लक्ष्य देखिए, कोई भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का पहला लक्ष्य हो ये होना चाहिए कि हमारा कस्टमर कंफर्टेबली ट्रेवल करे, ठीक है ना। और प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट जो है एक्चुअली कमाना, ये जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो शुरू की जाती है, ये एक ज़माने में जब मैं रेलवे में आया 1958 में, आप मुझे कोट कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो हमको 80% सपोर्ट गवर्नमेंट करती थी रेलवे चलाने में, बजटरी सपोर्ट बोलते थे, बजटरी सपोर्ट 70-80% हमको था। आज बजटरी सपोर्ट नेल बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आप देखिए इसके ऊपर इन्होंने इस प्रकार का आक्षेप कर दिया कि कुछ हम काम ही नहीं कर रहे हैं, हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मैंने आज सुबह कहा मेहसाना में, आज सुबह कहा मैंने यहाँ पे साबरमती में, कि ये गाड़ी दिल्ली से चली और यहाँ आई है तो कौन, पीयूष गोयल साहब चला रहे थे? कौन चला रहा था? रेलवे के कर्मचारी चला रहे थे गाड़ी, कोई मंत्री नहीं था, कोई पॉलिटिकल आदमी गाड़ी में नहीं था। रेलवे कर्मचारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि उनको पता है कि अगर हम कोई गलती कर देंगे हमको मेमो मिलेगा, हमको चार्जशीट मिलेगी, हमको हमारा नुकसान होगा, हमको नौकरी से निकाला जाएगा। ये जो एक DAR का रूल बना, डिफेंस एंड अपील रूल 1962 में बना, इससे हम जो है हमारा रेगुलेशन होता है, और इसलिए हमारे रेलवे कर्मचारी डरते हैं। आज मैं गाड़ी में था, मेहसाना में लोग आए कि साहब हमको चार्जशीट मिली, हमको ये कर दिया, तो हमने कहा अगर आपको आपने गलती करी तो आपको मेमो मिलेगा, अगर आपने गलती करी है तो आपकी सजा भी मिलेगी। और मैं वही बता दूँ आपको, रेलवे को परिवर्तन करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं सरकार को समझाना चाहता हूँ कि रेलवे में जहाँ 436 कैटेगरी काम करती है, जहाँ पे 5 लाख टेक्नीशियन काम करते हैं, जहाँ पे 2-3 लाख खलासी काम करते हैं, वहाँ स्टेशन मास्टर काम करते हैं, लोको पायलट्स काम करते हैं, ट्रैकमैन काम करता है, पॉइंट्समैन काम करता है, तो इनके जॉब कंटेंट्स क्या हैं, किस प्रकार से आपको टेक्नोलॉजी बदल के और आप चेंजेस करो। पर कम से कम ये तो देखो कि वर्किंग कंडीशंस तभी सुधरेंगी। आप रिजल्ट चाहते हो A1 जापान वाला, रिजल्ट चाहते हो जर्मनी वाला, और टेक्नोलॉजी आपकी वही है 3rd क्लास जो आज से 30 साल पहले थी। टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। चलो आप पैसा नहीं है तो जो है वो चलाओ, पर अगर आप चाहते हो कि जापान जैसी गाड़ियाँ यहाँ चले तो फिर जापान जैसी कंडीशन यहाँ पर खड़ी कर दो, हम चलाएंगे। हमारा मजदूर जो है, मैं बता दूँ आपको, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का मजदूर, रेलवे का नहीं चाहे बाहर का हो, हिंदुस्तान का श्रमिक जो है उसको इसलिए पसंद करते हैं लोग कि वो काम करते हैं। मैं आपको लंदन का एग्जांपल देना चाहता हूँ, नर्सिंग स्टाफ पूरा रेलवे का, हमारे इंडियन लोग काम कर रहे हैं लंदन में, केरला के लोग काम करते हैं। क्यों इनको प्रेफर किया जाता है? कि सर्विस अच्छी देते हैं, इतनी अच्छी सर्विस वहाँ के लोग नहीं दे सकते। तो हमारा श्रमिक चाहे वो रेलवे में हो,
चाहे कहीं भी हो, हमारा श्रमिक जो है उसको पूरी दुनिया में इसके लिए एक्सेप्ट किया जाता है कि वह मेहनतकश है, वो मक्कार नहीं है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने बोल दिया कि हम बुलेट को जगह नहीं देंगे। आपको पता है ना, बुलेट इज हैज लैंडेड इनटू ए प्रॉब्लम नाउ, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज सेड कि बुलेट के लिए हमारे पास कोई जमीन नहीं है, बुलेट में वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अब क्या करोगे? दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी को मैं याद करता हूँ। आज हिंदुस्तान में जो रोड बने, जो एक्सप्रेस हाईवेज बने हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने आज ऐसी सिस्टम खड़ी कर दी कि वोल्वो गाड़ी बसेज जो है वो 500-500 किलोमीटर जाती है और 110 के स्पीड से चलती है। इसके लिए पूरा श्रेय मैं अटल बिहारी वाजपेयी को दूंगा कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था देश में खड़ी कर दी। और इस प्रकार के एक ज़माने में ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट जो होते हैं बड़े बड़े, वो सिर्फ रेलवे में चलते थे। तेजस कहते कि हम तो कोई हड़ताल तो नहीं करेंगे, हमने आपको बोल दिया। हमने तो सरकार को बोला है कि तेजस गाड़ी में आप शोषण करोगे कस्टमर का, तो कस्टमर का शोषण तो आपको नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बड़ौदा का एग्जांपल दिया, आप जाके बड़ौदा में यहाँ भी चेक कर लो कि IRCTC ने जब से रिटायरिंग रूम ले लिए क्या क्या वो चार्ज कर रहे हैं। देखिए, ये तो इसके ऊपर तो हमने ये कहा है कि इसके ऊपर अगर हमारा समझौता नहीं होता तो हम हड़ताल के बारे में, दोनों फेडरेशन हड़ताल के बारे में विचार कर सकते हैं, ये हमने निर्णय लिया है। पर उसके पहले हड़ताल करना, एक अंग्रेजी में एक कहावत है, स्ट्राइक इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द आर्मरी ऑफ ट्रेड यूनियन, स्ट्राइक इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द आर्मरी ऑफ ट्रेड यूनियन बट शुड बी यूज वेरी वेरी स्पेयरिंगली। आई एम ए फर बिलीवर इन दैट। कल दिल्ली में रेलवे बोर्ड के साथ में हमारी डिपार्टमेंटल काउंसिल की बैठक थी, उस बैठक में हमने रेल मंत्रालय का विरोध किया क्योंकि रेल मंत्रालय ने एक झूठा एलिगेशन ये कर दिया कि ट्रेड यूनियन के लोग जो हैं, NFR के लोग, ARF के लोग जो हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार का आक्षेप किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर 12,500 बालगाड़ियाँ और 12,500 मेलोर एक्सप्रेस ट्रेन और 7,000 मालगाड़ियाँ अगर चलती हैं भारतीय रेलों में 70,000 किलोमीटर पे नेटवर्क पे, तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन NFIR का, डॉक्टर रावैया का, हमारा और दूसरी फेडरेशन ARF का है। हम चलाते हैं गाड़ियाँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी गाड़ी नहीं चलाती है, ये मेरा कहना है। हमने कल बैकआउट किया, हम कल वॉकआउट कर गए और हमने ये कहा मेंबर स्टाफ से कि आप हमारी बात को, डॉक्टर रावैया ने कहा कि आप पीयूष गोयल साहब को बता दो कि मैंने ये कहा है कि इसमें इन्होंने जो कुछ भी डिसीजन लिए हैं संगोष्ठी में, उस पर हम उनसे डिबेट करना चाहते हैं, हमसे बात करें, हम उसका जवाब देंगे और हम बताएंगे पीयूष गोयल साहब को कि उसका विकल्प क्या है। जो लक्ष्य आपने बताया है करने का, अगर 100 किलोमीटर के स्पीड से मालगाड़ी चलाना है तो आपने 100 किलोमीटर के स्पीड से मालगाड़ी कैसे चलेगी उसमें हमसे तो पूछो, चलाने वाले तो हम हैं, हमको नहीं पूछा गया। तो ये कल हमने मैसेज दे के वॉकआउट कर गए हम, और पूरे हिंदुस्तान में आज NFIR की जूनल यूनियन 8, 9, 10, 11 को जो है ये एजिटेशन करेंगी, इसी बात पे करेंगी कि ये सरकार ने जो आक्षेप लगाया है ये गलत है, हम सरकार से बात करना चाहते हैं, हम पीयूष गोयल साहब से बात करना चाहते हैं, इसका जवाब देना चाहते हैं। और अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको करना है सिस्टम में, हमारा कोई विरोध नहीं है, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, दोज हु विल नॉट एक्सेप्ट चेंज दे विल पेरिश, आई बिलीव इन दैट। पर अगर आप कोई लक्ष्य रखते हो तो जो गाड़ी चला रहे हैं आज हमारे 12,13,00,000 आदमी, उनको तो पूछो बाबा कि गाड़ी चलाने में स्पीड कैसे बढ़ेगी, अभी क्या स्पीड है, अभी ये 100 किलोमीटर के स्पीड से मालगाड़ी चलाना है, ट्रैक की कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रैक कैसा होना चाहिए, 100 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चला के गाड़ी गिराना है तो अलग बात है, पर गाड़ी गिराने का लक्ष्य किसी का भी नहीं होगा,
ना हमारा होगा ना उनका होगा, तो इस बात पे हम उनसे बात करना चाहते हैं और 8, 9, 10, 11 को हम जो है इसके ऊपर संघर्ष करेंगे कि ये जो ऑर्डर इशू करे इन्होंने ये गलत है। हम पीयूष गोयल साहब से इसके ऊपर बात करना चाहते हैं।